और सुनिए, बात करेंगे झाबुआ की। आपको बता दें कि झाबुआ जिला स्थानीय बस स्टैंड पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में यहाँ पर झाबुआ जिला कलेक्टर के साथ ही रतलाम झाबुआ सांसद गुमान सिंह डामोर ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि अमृत महोत्सव कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य फिट इंडिया फ्रीडम रन यहाँ पर 2.0 से जुड़ा। इस कार्यक्रम की शुरुआत तो राष्ट्रगान से की गई, जिसके बाद सांसद द्वारा हरे झंडी दिखाकर नेहरू युवा केंद्र द्वारा यहाँ पर आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है स्थानीय बस स्टैंड से लेकर झाबुआ पीजी कॉलेज तक मैराथन दौड़ का भी आयोजन हुआ। नेहरू युवा केंद्र के जिलाधिकारी प्रीति का भी यहाँ पर कहना है कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश की 75वीं वर्षगांठ से जुड़ा है। ग्रामीण अंचलों के यहाँ पर साथ ही संपूर्ण जिले में चाहे छोटे कस्बे हों या फिर बड़े शहर, सभी जगहों पर फिट इंडिया का ये कार्यक्रम शुरू किया गया। ये कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित किया गया है आज, जिसका फ्लैग ऑफ सांसद महोदय और कलेक्टर महोदय द्वारा बस स्टैंड से किया गया है। ये रन बस स्टैंड से लेके टांटिया मामा की मूर्ति पे पुष्पमाला चढ़ा के एंड कॉलेज ग्राउंड पे संपन्न होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद स्वास्थ्य के ऊपर टिकी हुई है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। उस तारतम्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में आज ये दौड़ शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है कि आम जनता में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, और जैसा कि आपने देखा होगा कि आज एक शपथ ली कि मैं अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन आधा घंटा अपने लिए स्वयं